हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष शांडे आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हम हमेशा एक नई होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में चर्चा करते हैं, तो आज हमारी चर्चा का विषय बहुत ही अच्छी मेडिसिन, अच्छी इसलिए क्योंकि ये फ्रूट से बनाई जाती है और ये जो फ्रूट होता है वो बहुत कॉमनली जाना जाता है और इसको पीच कहते हैं, और इसका जो होम्योपैथिक ट्रेड नेम है वो एमाइगडालस पर्सिका है। तो ये जो मेडिसिन है या जो फ्रूट है, जैसे कि आपको मालूम है कि बहुत ही जूसी टेस्टी फ्रूट होता है, और इससे बनाई जाने वाली जो मेडिसिन है वो भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो चलिए जानते हैं इस मेडिसिन के बारे में। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर से देखिए, ताकि इस मेडिसिन के बारे में आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सके। एमाइगडालस पर्सिका, इसे पीच कहा जाता है, और ये एक फ्रूट है, और इसका जो प्लांट होता है वो चाइना में, बेसिकली नेटिव प्लेस चाइना में पाया जाता है। और इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लोर की गई तो पता चला कि ये बहुत सारे रोगों में इस्तेमाल की जाती है। और जब इसको होम्योपैथिक मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल किया गया और इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लोर की गई तो ये पता चला कि ये गैस्ट्रिक स्फेयर पे काम करती है। ये बच्चों के लिए उपयोगी मेडिसिन है, आँखों के लिए अच्छी है, और साथ में जो ब्लैडर से होने वाले हैमरेजेस हैं या रक्तस्राव है उसके लिए भी इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। पहले सिम्टम के रूप में देख लेते हैं कि ये गैस्ट्रिक या इंटेस्टाइनल इरिटेशन पैदा करती है, और जब ये गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल इरिटेशन पैदा करती है तो ये प्रोड्यूस करती है कॉन्स्टेंट नॉजिया एंड वोमिटिंग, यानी लगातार वमन की इच्छा होती है और वोमिटिंग भी होती है। और इस प्रकार का सिम्टम आप देखते हैं इपिकॉक में, जो कि कॉन्स्टेंट नॉजिया एंड वोमिटिंग के लिए मेडिसिन है, और इसमें वोमिटिंग से भी पेशेंट को किसी भी प्रकार का फ़ायदा नहीं होता है। तो गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल इरिटेशन के लिए इसे दिया जाता है। दूसरे सिम्टम के रूप में देख लेते हैं, ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी औषधि है। और बच्चों के केसेस में ये नौजिया और वोमिटिंग तो प्रोड्यूस करती ही करती है, यानी ऐसे बच्चे जिनको कई बार वोमिटिंग होने लगती है, थोड़ा सा भी खाते हैं और वोमिटिंग का मन उनका करता है, और जिसकी वजह से उनका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो ये ऐसे बच्चों में उपयोगी है। और इसमें साथ ही में स्मेल यानी सूंघने की शक्ति और टेस्ट दोनों का ही ह्रास होता है, जिसकी वजह से पेशेंट ठीक से खाना नहीं खा पाते हैं। तीसरे सिम्टम के रूप में देख लेते हैं कि ये जो मेडिसिन है वो ब्लैडर यानी यूरिनरी ब्लैडर से होने वाले हैमरेजेस के लिए, यानी कि रक्त स्राव के लिए दी जाती है। और जब रक्त स्राव होता है तो इसके कारण से पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। इसके साथ साथ में इसमें जो यूरिन पास करने में पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है, कि पेशेंट को जैसे कि एक कंडीशन कहा जाता है इस्चूरिया, तो इस्चूरिया के लिए भी ये मेडिसिन जो है वो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और पांचवें सिम्टम के रूप में देख लेते हैं आँखों के ऊपर इसका असर, ये इरिटेशन ऑफ आईज प्रोड्यूस करता है, यानी आँखों में ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ है जो कि तकलीफ दे रही है, तो ये इरिटेशन ऑफ आईज के लिए एक उपयोगी मेडिसिन है। जैसे कि आप देखते हैं रूटा या यूफ्रेशिया, जैसे कि आई ब्राइट भी कहा जाता है, ये भी आईज के इरिटेशन के लिए एक बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है, और इसके साथ इसका कंपैरिजन भी किया जाता है। और इस मेडिसिन का उपयोग कैसे करें इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस मेडिसिन को मदर टिंचर के फॉर्म में दिया जाता है, यानी कि अगर कोई अगर छोटा बच्चा है उसको 3-4 ड्रॉप्स थोड़े से पानी के साथ दिन में 3 बार इसका सेवन कराया जा सकता है, और अगर बड़े हैं तो 10 से 12 बूंदे थोड़े से पानी के साथ दिन में 3 बार दिया जा सकता है, चाहे वो वोमिटिंग का केस हो, नौजिया यानी जी मचलाने का हो, हेमरेजेस ब्लैडर से हो रहे हों, या फिर यूरिन पास करने में डिफ़िकल्टी आ रही हो, आँखों में इरिटेशन हो रहा हो, और बच्चों में
गैस्ट्रिक इरिटेशन यदि हो रहा है तो। तो ये थी जानकारी आपके पीच के बारे में या एमाइगडालस पर्सिका के बारे में। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। साथ ही मैं बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है जो काफ़ी लंबे समय से चले आ रही है तो प्लीज़ सेल्फ़ मेडिकेशन की तरफ मत जाइए, बल्कि किसी एक्सपर्ट होम्योपैथ से ही ट्रीटमेंट लेकर प्रॉपर इलाज कराइए, तभी आपको पूर्ण तरीके से फ़ायदा होगा। तो इसी के साथ स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू। होम्योपैथी होम किट, यूजफुल फॉर डे टू डे लाइफ हेल्थ इश्यूज। फॉर मोर डिटेल्स चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।